अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम केरी की चटनी की रेसिपी बनाएंगे। केरी 2 अदद कटी हुई, 3 अदद ग्रीन मिर्च कटी हुई, 1 अदद टमाटर कटा हुआ, पुदीने के पत्ते 4 अदद कटे हुए और प्याज 1 अदद कटी हुई, धनिया 1 प्याली कटी हुई, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, चमचूर मसाला 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, कूटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले ज़ीरे को हम तवे पर दो मिनट हल्की आंच पर तवे पर पकाएंगे, फिर 2 मिनट के बाद उसको निकाल देंगे। अब हम मशीन में जो कटे हुए प्याज, कैरी, टमाटर, मिर्च ग्रीन, पुदीने के पत्ते और धनिया का पत्ता मशीन में डालकर फिर हम इनको चॉप करेंगे, यानी कवर देकर फिर मशीन को हम चलाएंगे। हमने मिर्च डाली और अमचूर मसाला डाला और नमक हसबे जायका और ज़ीरा। अब हम कवर देकर इसको चॉप करेंगे, मशीन को चलाकर हम इसको चॉप करेंगे। अब हमारी चटनी तैयार है। केरी की चटनी तैयार है। अब हम स्टार्ट पुदीने के पत्ते से हम गार्निश करेंगे इसको। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरी वीडियो मिस आपसे नहीं होगी, सो इसलिए सब्सक्राइब करना लाजमी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और अल्लाह हाफिज़।